चलो उतरो अब गाड़ी से। अरे यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक दिए? मैंने कहा ना बस गाड़ी से बाहर निकलो। ठीक है पर बताओ कुछ काम है क्या यहाँ पे? नहीं कोई काम तो नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्या? अरे हाँ निकलो ना अब कार से, कितना रिक्वेस्ट कराओगी तुम? पागल हो क्या? मैं यहाँ निकल के क्या करूँगी? कहीं भी जाना मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी कार से अभी क्या भी निकलो। देखो सौरभ अगर ये मजाक है तो अभी बता दो मुझे, और ये मजाक यहीं के यहीं रोक दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है लेकिन मुझे घर तक तो छोड़ देते कम से कम। मैं क्यों छोड़ू घर, तुम्हारा नौकर लगता हूँ क्या? खुद चली जाओ। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? अरे निकलना मेरी गाड़ी से बाहर, कितनी बार समझाऊं तुझे, समझ में नहीं आ रहा? ये सब क्या है? क्या मतलब? मुझे वहाँ रोड पे छोड़ के तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो, बताना जरा ये कैसा मजाक था? बोलोगे इतना घटिया मजाक क्यों किया मेरे साथ? इसमें कौन सा मजाक किया मैंने? मेरा मन नहीं था तुम्हें कार में बिठाए घुमाने का, तो इसलिए उतार दिया। ओ सीरियसली ऐसे कोई करता है? हाँ मैं करता हूँ ना। तो ठीक है ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं रहना तो मत रहो। मतलब? तुम जा सकती हो, एक मिनट, मैं तो तुम्हारा बैग भी पैक कर दिया, ये लो उठाओ इसे और जाओ यहाँ से। तुम मुझे अपने घर से भगा रहे हो? भगा का आ रहा हूँ, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ। तुमको हो क्या गया? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? देखो मुझे बहुत काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे सौरभ क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये तो हम दोनों का घर है ना। नहीं ये सिर्फ मेरा घर है। तुम्हें कोई और मिल गई है इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो। सौरभ कुछ बात है तो बताओ ना, हम दोनों मिलके सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है ना तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं तुम बोलो ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा फिर जो तुमने मेरे भाई के साथ किया वो क्या था? तुम्हारे भाई के साथ मैंने क्या किया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ। ठीक है साफ साफ बताता हूँ। भाभी आप यहाँ पे बैठी हुई हो, आपको पता मुझे कितनी तकलीफ हुई है सब आने में, भारत ने गर्मी धूप और आप मुझे गाड़ी से उतार दिया। भाई मुझे ना कुछ जरूरी काम था। भाभी आप मुझे किसी ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड पर भी उतार सकती थी, आपको इतनी मेगा जल्दी थी उतारने की? देखो दरअसल बात कुछ ऐसी है ना, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन बता रही हूँ, तुम्हारे भैया ना तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब भैया परेशान? तुम्हें ये रोज कार में ले जाना लाना, और तुम कुछ कमाते भी नहीं हो, पैसे भी उन्हीं से ही लेते हो, इन सब चीजों का उन्हें बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं तुमसे। मगर भाभी अगर ऐसी बात थी तो भैया को मुझे बताना चाहिए था, वो डायरेक्ट मुझको ये बात बोल सकते थे, और देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भैया परेशान हो। हाँ वैसे तुम एक काम करो, तुम ना कुछ दिन के लिए गाँव चले जाओ, जब तुम्हारे भैया का मूड सही होगा थोड़ा वो रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद बुला लेंगे। आप ठीक ही कह रही है भाभी। एक बात और, जब तक मैं कॉल ना करूँ ना तुम यहाँ आना मत। जी बस भैया एक बार आ जाए मैं उनसे बात करके फिर चला जाता हूँ। लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे भैया तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते हैं। तुम जाओ मैं यहाँ तुम्हारे पीछे सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी मैं चला जाता हूँ। हेलो हाँ रिया। हाँ अरे यार तुझे पता है तेरा प्लान तो काम कर गया, वो फाइनली यहाँ से जा चुका है। अब मैंने बोला था ना मेरा प्लान काम कर जाएगा। हाँ यार जब से आया हुआ है हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, हमें टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए, भाई 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 बस आगे पीछे लगे रहो। अब तो वो गांव के लिए चला भी गया है, वो सोच रहा होगा बेचारा कि भाभी कॉल करके बुलाएंगी, मैं तो उसे कभी कॉल नहीं करूंगी। हाँ यार चल अब पार्टी करते हैं उसके जाने की खुशी में। हाँ मिलते हैं जल्दी, चल बाय बाय। अब बताओ इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? सुनो ना वो तुम्हारे पैसों को अपने पैसे समझ रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। जब हम एक ही खून है तो ये पैसा भी हम दोनों का ही होगा ना, ये बाइक घर गाड़ी बंगला ये सब दोनों का ही होगा ना। आखिर तुम कौन होती हो मेरे भाई को बीच रोड कार पे से उतारने वाली? वो तो शुक्र है उस दिन मैं मीटिंग से घर जल्दी आ गया था, और उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली तुम्हारी फ्रेंड से जो तुम कर रही थी कॉल पर, इसलिए मैंने अपने भाई को गाँव से बुला लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे भाई के साथ क्या क्या कर रही हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो प्लीज। पता है मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे समझती हो, बट आई वॉज रॉन्ग, थैंक्स टू यू कि वक्त रहते तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया। सॉरी सौरभ मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सौरभ प्लीज। मुझसे माफी मत मांगो, अगर माफी मांगनी भी है ना तो मेरे छोटे भाई से मांगो। अरे तू उधर खड़ा ही रहेगा या अंदर भी आएगा? देखिए
देखिए भाभी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे भैया की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भैया से एक रुपए भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बड़े भाई का प्यार चाहिए, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता। और ऐसा नहीं कि आप दोनों को साथ में देखकर मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर अपने बड़े भाई का घर बसता देखकर किस भाई को खुशी नहीं होगी। आप गलत समझ रही कि मुझे जेलसी होती है। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे भाई से अलग मत करिए, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद भैया ने मुझे पापा की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी सारी जरूरतें पूरी करी, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे सारे शौक पूरे किए भैया ने। मैं भैया के बिना नहीं रह सकता। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से तो अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। और आज जब सौरभ मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, तब मुझे एहसास हो रहा है कि किसी को घर से बाहर निकालना कितनी गलत बात है। आई एम सॉरी। आज से हम सब साथ में रहेंगे एक अच्छी फैमिली की तरह। देखो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें समझाना बहुत जरूरी था। अगर मैं तुम्हें समझाता नहीं ना, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। देखो, तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम दोनों मेरी फैमिली हो। तुम दोनों को ना मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे ना, तो आपस में बहुत प्यार बढ़ेगा और बहुत सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को। तो इसलिए ना, हमेशा बना के रखा करो। अगर मेरा छोटा भाई मेरी ताकत है ना, तो तुम भी मेरा प्यार हो। प्लीज आगे से ध्यान रखना कि मेरे छोटे भाई का कभी दिल ना दुखे। कभी भी उसे ऐसा कुछ भला बुरा मत बोलना और ना ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करना। तुमने बिल्कुल ठीक किया सौरभ, नहीं तो मुझे तो कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितना गलत कर रही थी। बड़ा भाई हमेशा बाप समान होता है। क्या आपको लगता है कि बड़े भाई ने अपनी घमंडी बीवी को सबक सिखाकर और अपने छोटे भाई को न्याय दिलाकर बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।